हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई के स्कूल में। तो ये आ गया हमारा व्हाट नेक्स्ट सीरीज का तीसरा वीडियो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो देखा था पीसीएम वाले बच्चों के लिए और किसी भी ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट साइंस कुछ भी स्ट्रीम से हो आप, आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शन बताया था हमने। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसीवी वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है, यानी कि जिनके पास बायोलॉजी है वो 12th के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप एक भी क्लास मिस ना करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यार, सबसे पहले हमारा जो आता है वो है MBBS। इससे आप डॉक्टर बनते हो और कोर्स होता है आपका 5 साल का। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम, एक तरह से इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है नीट, जिससे आपको एडमिशन मिलता है टॉप गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में या फिर प्राइवेट वालों में। आप जा सकते हो MBBS, BDS यानी कि डेंटल, वेटनरी, इन सब चीजों में। और भी कई सारे हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब बात कर लेते हैं MBBS छोड़ के कुछ अलग भी ऑप्शन जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि आपका एक आता है नेचुरोपैथी, आपका आता है आयुर्वेदा, फिर आता है आपका होम्योपैथी, ऐसे कई सारे हैं, मैं सब बोलते रहूंगा। और इन सब का इंस्टीट्यूट या फिर एग्जाम्स, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स है आपको ये कैरियर ऑप्शन चूज करने का मौका मिलेगा, वो सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। फिर आप जा सकते हो फिजियोथेरेपी, वेटनरी और VUMS जो कि है उनानी का। फिर इसके आगे हमारा आ जाता है एलिड हेल्थ साइंस के कुछ कोर्सेज। आपके पास अगर 12th में बायो था तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है BSc एग्रीकल्चर का। अगला जो हमारा आता है वो यार एलिड हेल्थ साइंस। एलिड हेल्थ साइंस में आपको मिल जाता है एनेस्थेटिक, एलिड हेल्थ साइंस में आपको मिल जाता है एनेस्थेटिक्स का कोर्स। साथ में आ जाता है आपका फार्मा यानी कि मेडिसिन के ऊपर पढ़ाई, और आ जाता है आपका नर्सिंग। नर्सिंग में भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे आपका आ जाता है BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग, और भी ऑप्शंस आते हैं जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एलिड हेल्थ साइंस में ही आपको और भी कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन जो कि आपका होता है केमोथेरेपी, ये सब। साथ में आपको मिलता है ऑपरेशन थिएटर, फिजिशियन असिस्टेंट। एलिड हेल्थ साइंस में ही आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि BSc इन रेडियोथेरेपी, BSc इन रेस्पिरेटरी केयर, BMLT यानी कि बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। साथ में और कई सारे बायोटेक पोस्ट मिल जाते हैं, जैसे कार्डियक टेक, रेस्पिरेटरी टेक, फिर आपका जो ऑप्टोमेट्री था क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, फिर आपका आ जाता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये सब आप पढ़ सकते हो, इन सब के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता है और सबको बस यही पता है MBBS और BDS। तो आप इन सब में भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको मेडिकल लाइन में ही जाना है। आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। हमारा जो अगला सब कैटेगरी आता है वो है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, साथ ही में आपको और मिल जाते हैं जैसे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और ECG टेक्नीशियन। ऐसे कई सारे कोर्सेज मैं फुल एक डॉक्यूमेंट बना के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने जितने भी कोर्सेज बताए या फिर जो उस डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा, अगर आपको उनके बारे में सही से नहीं पता ज़्यादा तो आप उनको गूगल कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। और हाँ यार, यहाँ पे मैंने जो बोला एलिड हेल्थ साइंस, उसका कोर्स होता है 2 से 3 साल का, और जो MBBS, BDS, फिजियोथेरेपी ये सब होता है 5 साल का। और जो मैंने बाकी पहले बताए थे जैसे कि MBBS और मेडिसिन, ये सब आपका होता है 5 साल का। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। और मुझे बताया अगर आप PCB के स्टूडेंट हो तो आपको इनमें से कौन से फील्ड में जाना अच्छा लगेगा, और क्या आपको बायोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी भी पसंद है, क्या आप बायोटेक फील्ड में जाना चाहोगे, मुझे कमेंट करके नीचे बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप एक भी क्लास मिस ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।